आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल पे, और उससे आगे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। पर इसे जो हम जानेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करते हुए जानेंगे। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्जेस का अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चार्ज तो ये दूसरा चार्ज। इन दोनों चार्जेस में से एक होता है नेगेटिव चार्ज तो दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, तब हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। साथ ही साथ ये दो जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होता है, अर्थात ये चार्ज अगर माइनस क्यू चार्ज का हुआ तो इसे प्लस क्यू चार्ज का होना होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे पर उनका जो नेचर है वो अपोजिट होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है दो मैग्नेटिक पोल्स का अरेंजमेंट, और दो मैग्नेटिक पोल्स हमें हर मैग्नेट पे दिख जाता है, तो कन्वीनियंस के तौर पे हमने कंसिडर किया एक बार मैग्नेट। तो ये रहा वो बार मैग्नेट जिसमें कि एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा, तो हमने माना ये है साउथ पोल और यहां पर है नॉर्थ पोल। तो ये रहा दो पोल्स का अरेंजमेंट, और इन दोनों के बीच ऑब्वियस सी बात है एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, तो ये रहा वो डिस्टेंस। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है दो मैग्नेटिक पोल्स का, इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। हां, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहां भी दोनों पोल्स का जो मैग्नीट्यूड है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हमें यह पता है कि मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं उन दोनों पोल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं ये साउथ पोल, इसका अगर पोल स्ट्रेंथ m हुआ तो इस नॉर्थ पोल का भी जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो भी होगा m। तो हमें क्या मिल गया, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स हो, दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस हो, और दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स है वो सेम मैग्नीट्यूड का है पर ये अपोजिट नेचर का है, जैसे कि हमने यहां पर देखा था। तो ये बन गया अब एक मैग्नेटिक डाइपोल। अब चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने पता किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसका स्केलर फॉर्म को कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो ये पी अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है इन दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज, हमें साइन कंसीडर नहीं करना है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट। तो हमने यहां मान लिया ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 2a, तो हम कहेंगे यहां जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये होगा q इंटू 2a, ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म। उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है दोनों पोल्स में से किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ, तो ये है M, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो हमने माना इन दोनों पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये बराबर है 2L के, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ दोनों में से कोई एक का इनटू उन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो। अब देखें ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे डिनोट करना चाहें तो सबसे पहले देख ले, अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो हम कहेंगे कि एज वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, जिसका मैग्नीट्यूड है ये, इसके साथ एक डायरेक्शन अपेंड करना होगा हमें, तो देख ले कि ये जो क्वांटिटी है क्यू जो कि है चार्ज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसे हम वेक्टर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं,
पर ये जो 2a है ये एक डिस्टेंस है, अगर हम किसी तरह से इसे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, q को इंटैक्ट रखना है और 2a जो कि है डिस्टेंस, हमने जिसे कंसीडर किया था डिस्टेंस, उसे डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें दो डायरेक्शन मिलेगा, एक तो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से लेके इस नेगेटिव चार्ज तक का डायरेक्शन। कन्वेंशन हमें यह बताता है कि जब हम डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन कंसीडर करें तो हमें डायरेक्शन जो कंसीडर करना है वो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करना है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस नेगेटिव चार्ज के सेंटर से लेके इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर तक का, या फिर कहें इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू इस नेगेटिव चार्ज के सेंटर का, उसे हमने कहा चूंकि इसका मैग्नीट्यूड था 2a, तो अब ये बन गया 2a एज वेक्टर। तो फिर हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर, ये होगा q इंटू 2a, जबकि यहां पर 2a को हमने वेक्टर के तौर पे कंसीडर किया और ये एक स्पेशल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंसीडर करते हैं एज वेक्टर, तो हम एम को वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल लेटर एम है ये है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो कि है स्केलर क्वांटिटी, इसे हम वेक्टर नहीं बना सकते हैं। पर ये जो 2l है पिछले केस की तरह हम इसे वेक्टर बना सकते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं। तो अब ये बन गया एम इंटू 2l एज वेक्टर। फिर सवाल यह होगा कि ये अगर डिस्प्लेसमेंट है 2l तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट साउथ पोल के रेस्पेक्ट में या साउथ पोल का डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में, अर्थात ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल का डिस्प्लेसमेंट साउथ पोल के रेस्पेक्ट में या फिर ये डायरेक्शन साउथ पोल का डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में। तो कन्वेंशन यह है कि अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कंसीडर करते हैं इस डिस्टेंस को, तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट को साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक का डायरेक्शन को कंसीडर करना है। तो अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको इस कन्वेंशन को याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने क्या किया, जो डायरेक्शन कंसीडर किया वो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे चीजें कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं किसी एक पॉइंट में, उसके लिए हम वहां पर कौन सी चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज, हम वहां पर रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से एक मैग्नेट के आसपास किसी एक पॉइंट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पर एक यूनिट स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल रखते हैं, अर्थात हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे ट्रीट करते हैं, मैग्नेटिज्म में हम नॉर्थ पोल को वैसे ट्रीट करते हैं। हमारा जो बेसिस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिज्म में होता है नॉर्थ पोल। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता कर रहे हैं एज वेक्टर, तो उसके डायरेक्शन के लिए हमने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कंसिडर किया था निगेटिव से लेके पॉजिटिव चार्ज तक, तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए जो डायरेक्शन कंसीडर करना होगा, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा, वो होना चाहिए साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के SI यूनिट पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मुद्दा मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होगा वो यूनिट होना चाहिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। तो ये होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर, और
जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है वो होता है मीटर, तो ये बन जाएगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर्ड। तो ये हो गया एसआई यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का।